गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल आ गया हूँ मोम्बासा, और मोम्बासा में इस हॉस्टल में आज रुका हूँ, ये वाली जगह पे। तो आके मैं रात को बस में था तो थोड़ा सो गया था, और नहा धो के फ्रेश होके अभी मैं निकल रहा हूँ शहर के अंदर थोड़ी सी देर के लिए। तो खाना वाना का जुगाड़ पहले करते हैं और उसके बाद कुछ आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं, यहाँ पे आजू बाजू सुपर मार्केट वगैरह है तो वहाँ पे ढूंढते हैं खाना वाना, और उसके बाद खाना खाएंगे। यहाँ पे धूप है, यहाँ पे गर्मी है, दूसरी जगह भी इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन मोम्बासा है वो समुंदर के किनारे पे है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है। तो अभी हम चलते हैं सुपर मार्केट। इतना बड़ा यहाँ पे भी तैयार है, और तो जस्ट सुपर मार्केट मायने में दे बंसी बंसी। ओके, तो ये है अली भाई जो मुझे सुपर मार्केट छोड़ देंगे और वहाँ पे खाने वाने का कुछ जुगाड़ करते हैं। अली भाई, यू स्पीक हिंदी? नो गुजराती? नो, एक सॉइली एंड इंग्लिश ओनली। लॉट ऑफ इंडियन पीपल मोइंडी लिविंग हियर। लॉट ऑफ मोइंडी आर हियर। ये इंडियन लोगों को मोइंडी बोलते भाई, जैसे वाटर कैरी, तो इंडियन लोगों को मोइंडी बोलते हैं। तो मैंने इनको बोला कि यहाँ पे बहुत सारे मोइंडी रहते हैं तो आपको हिंदी गुजराती नहीं आती है, बोले नहीं। ओके, दो मिनट लगा होगा। अली भाई ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे सुपर मार्केट भी है और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो जिधर भी आपको खाना हो खाना खा सकते हैं। थैंक यू अली भाई, मीट यू सून। थैंक यू। ओके बाय। और सुपर मार्केट में आपको जो चाहिए वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठंडा गर्म पानी खाना पीना सारी कुछ चीज़ें मिल जाती। तो हम यहाँ भी ट्राई करते हैं कुछ लेने की। सो यहाँ पे खाने पीने का जुगाड़ चल रहा है। ये रहा पार्ले जी, वाओ पार्ले जी, हाउस, थैंक यू जी, मैं नो प्रॉब्लम। तो भाई राशन पानी ले लिया है, जुगाड़ अपना कर लिया, देखो इतना सारा पानी, दूध, दही, प्याज, टमाटर वगैरह वगैरह सब कुछ। तो थोड़ा बहुत गाड़ी गुजारा चल जाएगा। अभी यहाँ से कोई बड़ा बड़ा पकड़ के वापस अपनी मंजिल पे जाते हैं। अकुना मटाटा साथियों, अभी मैं हूँ मोम्बासा केन्या, और मोम्बासा वो शहर है जहाँ पे गुजराती लोग बहुत पहले जहाज से आगे थे और यहाँ से व्यापार करते थे, मोम्बासा से मांडवी, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। तो अभी वही शहर में मैं हूँ और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग अभी भी रहते हैं। वैसे केन्या में बहुत जगह पे रहते हैं लेकिन ज़्यादातर गुजराती कच्छी लोग हैं। तो आज मैं आपको शेयर करवाता हूँ मोम्बासा के पुराने शहर की, और इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं टोनी ब्रो जो यहीं पे रहते हैं इसी हॉस्टल में। और मैंने बोला कि यार मेरे को शहर घुमा दो, तो टोनी रेडी हो गया, अभी सो रहा था बेचारे को मैंने जगा दिया। सो अभी चलते हैं बोड़ा बोड़ा पे, और बोड़ा बोड़ा को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मोम्बासा ओल्ड टाउन। मोम्बासा ओल्ड टाउन, वी आर गोइंग टू ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन, तो ओल्ड टाउन आपको दिखाते हैं। अभी शाम के 5 बजे हैं, 6-7 दो घंटे हैं, दो घंटे में आपको पूरा शहर का टूर कराते हैं। लेट्स गो। ओल्ड टू ओल्ड टाउन। मोम्बासा से हुई थी लेकिन नैरोबी में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मोम्बासा में नहीं हुआ। हम यहाँ पे चल रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल हियर, देखा कितने सारे लोग हैं भाई, यहाँ पे लाइन लगी हुई, पूरा मेला लगा हुआ। और यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, पोर्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है ना, फिशरिंग का काम ज़्यादा होता है। फिलहाल ओल्ड सिटी में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहले ही दिखा हिंदू शमशान गृह, काफ़ी बढ़िया एक बड़ी जगह पे बना हुआ था। यहाँ पे बसें हैं, सब जाती है केन्या नैरोबी। चार बजे यहाँ पे सभी ऑफिस से, फैक्ट्रियों से सभी लोग छूट जाते हैं, तो यहाँ पे फुल ट्रैफिक जाम है, 5-10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। और यह है एक
100 साल पहले बनी हुई मार्केट देख लीजिए, और इसकी डिजाइन आपको पता चल ही रही होगी, पोर्टुगीज और अंग्रेजों के जमाने की जो मार्केट होती वैसी है। ये सारी बिल्डिंगें देख लो भाई, और यहाँ पे तो भाई अपनी बैंक ऑफ इंडिया भी है भाई, देखो। तो भाई अभी हम ओल्ड टाउन में पहुँच चुके हैं, और आपको यहाँ पे कुछ तोपखाने दिखाते हैं जो इंडिया में जो भी तोपखाने रखे उनसे थोड़ी अलग है। बड़ी बड़ी तोपें हैं, आपको दिखेगी बड़ी बड़ी व्हील वाली वहाँ पे पड़ी है, तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और ये है फोर्ट यहाँ पे, और यहाँ पे भी लोग चाय के दीवाने, देखो बड़ी सी चाय की केतली और कप भी रखे हुए हैं। और ये देखो पुरानी बिल्डिंग जिसमें अभी पेड़ पौधे उग गए हैं, कोई संभालने वाला आदमी नहीं है। जब असली मालिक चले जाते हैं, ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, देखो भाई कोई इसके अंदर नहीं जाता है। और ये खतरा है किसी दिन, ये भी जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, जब भी कोई खतरा होता है मैं बता देता हूँ कि ये बिल्डिंग कभी भी खतरा हो सकती है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी तरीके से बनाएगी तो इतना भी एकदम से गिरती नहीं है। यहाँ पे अभी भी मुस्लिम लोग रहते हैं ज़्यादातर, और पुरानी बिल्डिंग हैं जिनका कोई मालिक वालिक यहाँ आता जाता नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग खंडर हो गई। ये आर्किटेक्ट देखो, ये लकड़ी से बनी हुई सारी है चीज़ें। देखा भाई, ये इधर पीछे फिश मार्केट है, पुराना ओल्ड पोर्ट यहीं पे था, अभी तो बड़ा हो गया, लोग जगह चेंज हो गई, लेकिन पहले लोग यहीं आते थे। इधर एक क्रिक है, क्रिक के अंदर अंदर यहाँ पे आते थे। ये देखो भाई मोम्बासा का पुराना पोर्ट है, ऐसी बड़ी बड़ी जहाज़ें ये अपने मांडवी में वगैरह सब गुजरात में बनती है, पहले सब यहीं पे आती थी, यही पोर्ट था, अब इसकी जगह पे बड़ा जो है पोर्ट बन गया, वहाँ पे जाते हैं जहाज। और ये देखो ये सामने खूबसूरत आपको क्रीक है, ये शहर के अंदर जाता है, इसके दोनों तरफ मोम्बासा सिटी है, और इस तरफ ये पूरा समुंदर है। ये एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी आलीशान और खूबसूरत है, पुराने घरों को बना दिया गया है। हो सकता है 100 साल पहले 50 साल पहले यहाँ पे बड़ी रौनक और बाजार होगी, लेकिन अब ये उजड़ा हुआ मजार लगता है, जैसा कि एक वो डायलॉग होता है वैसा ही है, लोग हैं लेकिन सुनसान लगता है, इतनी रौनक नहीं लगती, बस लोग सुबह सुबह से नज़र आते हैं हमको हर जगह से, चलते हैं इस वक्त, क्योंकि जब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके जब दूसरे देश में आ जाते हैं इतने सारे लोग नहीं होते एक देश पे, तो वहाँ पर ऐसा ही नज़र आती है। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक खासियत होती है, वैसे यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो सलांग लगा रहे पानी में, देखो क्या ये छोटे छोटे बच्चे, और ये समुंदर का पानी, मस्तियाँ करते हैं, देखो किस तरह से आते हैं। ओके 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 चेक। ये पुराने समय का एंट्री गेट है, और यहाँ पे तोपें ऐसे फेंकी हुई पड़ी हुई हैं, बस इनका कोई मालिक और कोई संभालने वाला नहीं। तोपों का मुंह इस तरफ खुलता है, पहले के ज़माने में क्रिक में जाने का रास्ता यही था, तो इधर से कोई पास ना हो इसलिए ये एक सिक्योरिटी गेट था, ऐसा यहाँ से प्रतीत होता है, क्योंकि इस तोपों का मुंह इस तरफ रखा गया और ये जाने का एक रास्ता है। बड़े जहाज अगर यहाँ से क्रॉस करें तो सीधा यहाँ से इस क्रिक में डुबो दिया जाता था। अब बेसुध बेसहारा ये शहर खंडर में तब्दील होता जा रहा है, हो सकता है मेरी परिभाषा ठीक हो नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा ही नज़र आता है। इसको ये सामने रहा फोर्ट, और इसके पास में एक मिनी गोल्फ है, मिनी फुटबॉल क्लब है। तोपे तो यहाँ वहाँ फिक्री पड़ी है, देखो उस तरफ आपको दिख रही होगी, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है मोम्बासा का फोर्ट, लेकिन इसके अंदर जाने की काफ़ी भारी भरकम फीस है, तो अंदर हम नहीं जा रहे हैं और अभी यहाँ से सीधा बाहर ही जाते हैं। ये देखो ये दिखा रहे पेगासिस,
2000 ton British cruise was undergoing boiler repair in Zanzibar harbor on the beach September 1914 when the German cruiser sank a ship at the mooring. The four guns were self-mounted on the wheel and used a coastal defense batteries in Zanzibar and Mombasa. ये देख लो, ये तोपखाना उस समय का बैटरी से चलता था शायद, और ये करीबन 2000 टन लिखा हुआ है, मतलब मेरे को लगता है 20 टन के आसपास तो वजन होगा इसका। एक और एक पीछे दो है। और अब आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी बिल्डिंग मुंबासा में हो सकती है, तो आप अपनी पहुँच कितनी यहाँ पर हो सकती है उस बात का अंदाज़ा इस बिल्डिंग से लगा सकते हैं। ये तो एक ही बिल्डिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत सारी बिल्डिंग है यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और अभी हम आगे पुराने शहर के, ब्रो गो इनसाइड, अभी हम आगे पुराने शहर के रेस्टोरेंट वगैरह जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे ओमानी, सूडानी, सोमालियन ये लोग रहते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट भगवान जी, और एक है चेतना, दो रेस्टोरेंट है। तो हम चेक करते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, अगर आप कभी मुंबासा आते हैं तो वहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें मिलती नहीं, बाकी नॉन वेज के लिए मछली सब कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप चिंता मत करिए। कुछ लोग बोलेंगे आपने हमारे लिए कुछ दिखाया नहीं, आपके लिए कोई चीज़ की कमी नहीं। यहाँ पे 1952 में बिल्डिंगें बनी हुई है, और ये पुरानी गलियाँ इसको इस तरह से पेंट किया हुआ है, देखो तो भाई पुराने पुराने घर। अपने अहमदाबाद में सिटी में जो चाली होती है ना, वैसा ही कुछ है, छोटे छोटे लकड़ों से बने हुए घर। पानी की यहाँ बड़ी किल्लत होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो पानी यहाँ पर लोग लारी से सेल करते हैं, कैरबा बरबर के सेल करते हैं। टेक ए वीडियो। हाँ, और ये सामने आपको दिख रहा है भगवान जी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है भगवान जी में। आते हैं तो आपके लिए ये देख लो भाई, दाल भजिया, पैक पोटैटो, मुंबासा मिक्स, मारू भजिया, मार्चा, गोटा, पात्रा, वेजिटेबल समोसा, पंजाबी समोसा, स्प्रिंग रोल, खमन ढोकला, पापड़ी, और ये आपके लिए हो गया फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, जूस, स्पेशल मसाला, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, और रेट भी ठीक ठाक है, ब्याज भी। तो ये भगवान जी की बिल्डिंग है, यहाँ पे भी हम एक शिव जी का मंदिर है, उधर जाते हैं और मंदिर दिखाते हैं आपको कि कितना बड़ा मंदिर है, क्या है क्या नहीं सब कुछ। ये पतली पतली गलियाँ जहाँ से अंदर से गुजरते हैं, हर शहर की पतली गलियों में जाओगे तो असली पता चलता है कि गलियाँ किधर जा रही हैं, कैसे लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें। ये देखो इन बिल्डिंगों के बीच बीच में छोटे छोटे बच्चे जाते हुए दिखाई देते हैं, और मेरे पीछे टोनी हमारा सेफ गार्ड चलता है। आपको वाइट वाइट वो है शिव जी का टेम्पल, और ये मैदान है बड़ा सा, तो हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर आपको दिखाते हैं। यहाँ तक आ गए तो मंदिर दिखाएं। सामने ये मॉस्क है। हाउ आर यू? व्हाट यू डूइंग हियर? प्लेइंग? इट्स गुड। व्हाट्स योर नेम? ओह गुड। छोटे छोटे बच्चे बड़े दीवाने होते हैं, मंदिर की तरफ जाने का रास्ता किधर है? हाउ आर यू? कौवों की बारात यहाँ पे काम होते ही अपने अपने ठिकाने पे जा रहे, तो भाभू मचा रखा है देखो। तो ये देखो शिव भोले का स्टिकर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सो अभी मंदिर में भोले की आरती हो रही है, तो मैं सही टाइम पे आया हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव मंदिर मुंबासा। तो ये काफ़ी विशाल शिव भोले का मंदिर है, और सभी भगवान की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई हैं, छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जैसे कि हर जगह, और यहाँ पे रूम कमरे भी हैं, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, और हर रोज़ मंदिर में जाके किसी को पूछताछ करना अच्छी बात नहीं है, तो यही बात है। यहाँ पर कमरे वगैरह है, मुझे लगता है यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी होगी, और काफ़ी बड़ा पार्किंग वगैरह सारी कुछ फैसिलिटी यहाँ पर है, और यहाँ पर मारवाड़ी, गुजराती सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देखो बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। तो पता चल गया भाई, यहाँ पे 500 सीलिंग में आपको रूम भी मिल जाता है, रूम भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे सिक्योरिटी भाई ने बताया है, तो ठीक है। वी टुक ए बड़ा बड़ा फ्रॉम देयर। या
शाम हो गई है। ये पीछे देख सकते हैं मुंबासा का रेलवे स्टेशन है जो इंडियन लोगों ने बहुत पुराने 100 साल पहले आके यहाँ पे बनाया था। अभी ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल खस्ता हाल में, यहाँ पे कोई आवक जावक नहीं है। नया रेलवे स्टेशन चाइना वालों की हेल्प से बना है, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम यहाँ चल के देखते हैं, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट वगैरह दिखते हैं लेकिन अंदर क्या है जा नहीं पाएंगे शायद, देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग मुंबासा के रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। ये मेरे पीछे आप पटरियां देख सकते हैं, यहाँ पे अभी बार और अड्डा बना दिया गया, यहाँ पे पार्किंग है और कुछ लोग बैठ के दारू पीते हैं, मौज करते हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे कभी कभी ट्रेन आती है, वो भी सिर्फ मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे नहीं आती है। तो ये है मुंबासा के रेलवे स्टेशन का हाल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पटरियां दिख रही है। ठीक है, ये छुप छुप के वीडियो बना रहे हैं। ये देखो भाई, ये स्टेशन है, अभी रात हो गई, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं।